पिछले कुछ सालों तो पंजाब की धरती के उत्ते कुछ नकली पास्टरां वालों सिखां नूं जबरी ईसाई बनाउण वास्ते एक पखंडवाद का सहारा जिहड़ा लिया जा रहा, वो कुछ किया जा रहा है जिसकी ईसाईयत भी इजाजत नहीं देती और सिखां नूं गुमराह करके, कल्ले सिखां नूं नहीं पंजाब के हिंदुओं नूं भी गुमराह करके तेजी दे नाल ईसाई बनाउण दा जिहड़ा पंजाब दे विच जतन है, ये सरकार की नक् थले चल रहा है। हालांकि धर्म के नाम के उत्ते जे कोई पखंड करता है तो भारतीय संविधान दीआं धाराव के मुताबिक वो परचे जिहड़े है वह दर्ज हो जाते हैं, होंगे भी है, लेकिन यह पास्टर पंजाब की धरती के उत्ते जिहड़ा ये पखंडवाद का ड्रामा रच रहे हैं, इन्हां ते कोई भी सरकार जिहड़ा है एक्शन लैण दे लई जिहड़ा वो तैयार नहीं है वोटां की राजनीति कारण। निहंग सिंघां वल्लों पिछले 6 महीनों तो पुलिस नूं दरखास्तां दित्तियां जा रही सी कि साडे इलाकियां दे विच ये लोग जबरी धर्म परिवर्तन कर रहे ने, लोगों नूं गुमराह कर रहे ने, लेकिन प्रशासन वल्लों कोई भी इन्हां दे खिलाफ जिहड़ी आ उह कारवाई नहीं कीती। सिख किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, ना किसी के धर्म दीआं मानतावां के खिलाफ है, सिख पखंडवाद के खिलाफ है, चाहे वह सिखां च क्यों ना आउंदा होवे। ते जदों अपने पद्धर के उत्ते कुछ निहंगा सिंघां ने उन्हां नूं रोकण का यतन किया, जदों प्रशासन ने गल ना सुनी, सरकार के कन्नां ते जू ना सरकी, ते जदों निहंगा सिंघां ने अपने पद्धर के उत्ते इन्हां दे इस चर्चा प्रोग्राम नूं रोकण का यतन किया जिहदे विच नाच गाने चल रहे सी, दंभ फैलाया जा रहा सी, पखंड फैलाया जा रहा सी, ते रात पता लग्या कि इन्हां निहंगा सिंघां दे उत्ते 150 दे करीब सिखां दे उत्ते परचे जिहड़े आ 295 धारा तहत जिहड़ी आ उह दर्ज कर दित्ते गए, जो बहुत मंदभागा है। पंजाब दी धरती दे उत्ते जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा है वह किसी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा, भोले भाले लोगों नूं गुमराह करके धर्म तब्दील करवाउणा इहदा भारत का कानून भी जिहड़ा है वह आग्या नहीं दिंदा, ते इह किस तरह शरेआम जिहड़ा है वह जबरी धर्म परिवर्तन की लहर जिहड़ी है पंजाब के खास तौर के उत्ते बॉर्डर का जिहड़ा एरिया है पंजाब का, उस बॉर्डर के एरिए दे विच धर्म परिवर्तन की जिहड़ी है वह लहर चला रहे हैं। भारत सरकार नूं भी जागना चाहिए और फौरी तौर के उत्ते कदम जिहड़े आ चुकने चाहिए है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के विच जे कुछ इस तरह का बाहरी ताकतों के सहयोग के नाल ये लोग जिहड़े आ बॉर्डर की एरिए दे विच जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा चलाउंदे आ, तो मैं समझदा कि भारत स्टेट वास्ते भी जिहड़ा खतरे की घंटी है आने वाले समय के अंदर। तो पंजाब सरकार नूं असीं कहना चाहुंदे आ कि ये परचे जिहड़े रद्द किए दर्ज किए ने इन्हां नूं तुरंत जिहड़ा है वह रद्द किया जाए, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब दुनिया भर का सिख जिहड़ा है इन्हां निहंगा सिंघां दे नाल खड़ा है और खड़ा रहेगा। 5 सितंबर को श्री आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते असी एक बड़ा प्रोग्राम भी जिहड़ा वो लेके आ, उहदे विच भी इस संबंधी जरूर जिहड़ा कोई ना कोई मता पास किया जाऊगा, विचार की जाऊगी, क्योंकि हुण होर जिहड़ा है पखंडवाद के नाम के उत्ते जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। कितनी कमाल की गल है कि ज़्यादातर निशाना जिहड़ा है वह पछड़ियां श्रेणियों नाल संबंधित जिहड़े साडे सिखां दे परिवार ने उन्हां बनाया जा रहा है, जां हिंदुआं दे परिवार है उन्हां बनाया जा रहा है, जबकि देश का जिहड़ा कानून है वह कहता है कि सिर्फ तो सिर्फ रिजर्वेशन का जिहड़ा लाभ है वह हिंदुआं सिखां नूं मिलता है, ईसाइयां नूं नहीं मिलता। तो फिर ईसाई बन के रिजर्वेशन के लाभ जिहड़े है ये किस तरह ले जा रहे हैं पंजाब की धरती के अंदर, ये भी एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वह चिंता का विषय और सोचने वाली गल है। तो मैं समूह पंजाब दे विच वसदियां सिख जथेबंधियां नूं संप्रदावां नूं यह अपील करांगा कि जिथे जिथे भी ये पखंड दीआं दुकानां चलदियां ने प्रशासन के कोल इन्हां दे खिलाफ दरखास्त दित्ती जावे, ते भारत का कानून जिहड़ा पखंडवाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करन वास्ते कहिंदा जिहड़ी धारा के तहत, वह धारा के तहत जिहड़ा इन्हां ते मुकदमे जिहड़े है वह दर्ज करवाए जाण। किड्डी हैरानी की गल है कि पंजाब दे विच वड्डे पद्धर के उत्ते अपने आप नूं तर्कशील कामरेड अखवाउण वाले लोग जिहड़े ने वह सिखां बारे तां बोलदे है, लेकिन जो ये शरेआम जिहड़ा है वह पखंडवाद को बढ़ावा देंदे है, पखंडवाद जिहड़ा है उसनों जिहड़ा है ये प्रमोट करते हैं,
ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।